हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पेपर तैयार कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ आर टू आर बी आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ को। हमारे पास इफ ए एन इज अ सिक्वेंस इन 0 1 देन द सिक्वेंस ऑफ सिक्वेंस एफ ए एन इज इंक्रीजिंग बाउंडेड कन्वर्जेंट नॉट नेसेसरी बाउंडेड। ये हमारे पास फ्रेंड्स क्वेश्चन है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू हो सकता है, कौन सा ट्रू नहीं हो सकता। तो पहले लेते हैं, लेट ए एन बराबर 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब फिर से अगर हम देखें तो ए एन को इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी 1 होगी, उसके बाद 1/2, 1/3, इस तरह से 0 तक जाएगी। एन जो फंक्शन ए एन जो है 0 और 1 में डिफाइन है यहां से हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये एग्जांपल ले लिया। अब एक हम फंक्शन लेते हैं जो कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो लेट एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। अगर हम एक्स क्यू इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन जो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि इसका ग्राफ अगर देखें तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, इस तरह से। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो यहां से हमारे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया हमने। अब फिर से यहां से हम देखें इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन की वैल्यू एफ 1/1, एफ 1/2 पे ये हो जाएगा हमारे पास, 1/2 पे ये हो जाएगा, और 1/8 एफ 1/3 पे हो जाएगा ये 1/27। इस तरह से इसकी वैल्यू फिर चलती जाएंगी। अब फिर से अगर देखें तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी 1 पे वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू है 1 है, उसके बाद इसकी सेकंड जो लोअर वैल्यू थी वो थी 1/2, 1/2 पे इसकी वैल्यू और छोटी आई है 1/8। अगर इसकी अगली वैल्यू देखें तो 1/3, तो उस पर 1/27। तो अगर देखें तो ये फंक्शन अगर हम यहाँ इसको उल्टा करें, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी 0, 0 पे फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं, बट 0 से शामिल नहीं होगा क्योंकि n टेंड्स टू इनफिनिटी पे कभी 0 नहीं जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया हमारे पास। और जब जैसे n 0 पे जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी n टेंड्स टू इनफिनिटी जाएगा, तो ये हमारे पास 0 जाएगा, और 0 पे ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, और 1 पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। तो अगर देखें तो ये फंक्शन जो है, फंक्शन हमारे पास बाउंडेड भी है, ये इनफिनिट पे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि n टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, और f 0 पे ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास 0 और 1 के बीच में बाउंडेड भी है। तो ये हो गया हमारे पास, ये फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है। और अगर देखें हम तो फ्रेंड्स, इस फंक्शन को अगर देखें तो ये n टेंड्स टू इनफिनिटी जब जा रहा है तो ये कहां पे जा रहा है, ये फंक्शन जो जा रहा है ये 0 पे जा रहा है, तो ये कन्वर्जेंट भी है, कन्वर्ज टू 0 है। यानी इस कंडीशन में हमारे पास ये एफ एक्स फंक्शन जो है, अगर ए एन इस तरह से डिफाइन है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, एंड कन्वर्जेंट, और कन्वर्ज टू 0 है, इंक्रीजिंग बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, ये हमारे पास तीनों है। अब हम सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं, इसी फंक्शन के लिए लेंगे सेकंड एग्जांपल। सपोज हम ए एन को इस तरह से डिफाइन करके इस तरह से डिफाइन करते हैं, 1/2 ± 1 n/2, यहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स, अब ए एन को देखें तो ए एन की वैल्यू किस तरह से आएंगी, यहां से देखें एन बराबर 1 देखें तो -1/2 हो गए 0, एन बराबर 2 देखें तो ये 1/2 आ जाएगा ये 1, उसके बाद एन बराबर 3 देखें तो ये -1/2 आ जाएगा 0 1, इसी तरह से इसकी वैल्यू चलती जाएंगी। अब फिर इस फंक्शन को देखें, यहां पर भी ए एन की वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में ही है, 0 और 1 के बीच में ही है, तो इस तरह से ए एन जो है यहां से डिफाइन है। अब ये हो गया हमारे पास। अब हम एफ एन को देखें, एफ एक्स जो क्या था हमारे पास एक्स क्यू था, अगर उसकी वैल्यू देखें तो एफ एक्स की वैल्यू जो है
एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0 1, इसके अकॉर्डिंग अगर पुट करते जाए हम 0 1 0 1 0 1, तो ये हो गए हमारे पास। तो फिर यहां से अगर देखें तो ये फंक्शन हमारे पास, अब यहां से ये देख रहे हैं पहली वैल्यू 0 आई, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 0, फिर 1 0, तो ये फ्रेंड्स यहां से अब इंक्रीजिंग चेक करें तो 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद 0 आ रहा है, यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग तो नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये नहीं है। तो यहां से हम कहेंगे ये फंक्शन जो है fx जो है इंक्रीजिंग नहीं होगा, इस ऑप्शन को हम कट कर सकते हैं। अब बाउंडेड चेक करें तो फ्रेंड्स बाउंडेड यहां पे हमारे पास ये मिल रहा है कि 0 और 1 के बीच में बाउंडेड है, या वैल्यू जो है फंक्शन की 0 और 1 के बीच में ही है। और अगर कन्वर्ज चेक करें तो ये फंक्शन कन्वर्ज नहीं है, क्योंकि अगर इस फंक्शन की लिमिट देखा दो लिमिट है 0 एंड 1, और जब कोई भी हमारे पास एक सेट आ जाता है जिसकी दो लिमिट होती है तो वो लिमिट कन्वर्जेंट नहीं होता, वो फंक्शन कन्वर्जेंट नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास एक थ्योरम होती है अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके सभी सब सीक्वेंस एक ही लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे होंगे। बट अगर इसके अगर सब सीक्वेंस देखें 0 0 वालों को ले लें और एक 1 1 वालों को ले लें, तो इसका एक तो जो सीक्वेंस होगा 0 पे एग्जिस्ट करेगा, एक 1 पे एग्जिस्ट करेगा, तो यहां से हमारे पास एफ एक्स जो है नॉट कन्वर्जेंट। तो यहां से हमारे पास ये हो गया, दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा जो एफ एक्स जो था वो बाउंडेड था, एफ एक्स जो था बाउंडेड था। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है हमारे पास यहां से अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन, तो उस कंडीशन में एफ एक्स जो है वो बाउंडेड होगा। फ्रेंड्स ऐसे और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।